अवैध नकली शराब के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने बरवाडीह पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा की अगुवाई में पुलिस टीम ने डुमरी थाना क्षेत्र के जिलमटाड़ से नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के क्रम में पुलिस को भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब एवं शराब बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों के साथ अलग अलग ब्रांडों का रैपर और खाली बोतलें आदि बरामद हुई है। मौके से पुलिस ने दो धंधेबाजों को भी हिरासत में लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया गया कि आगामी चुनाव को देखते हुए नकली शराब बनाकर उसे अलग अलग स्थानों पर खपाने का काम किया जा रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 72 पेटी अंग्रेजी नकली शराब जब्त किया है, जिसमें रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू के अलावे महुआ शराब भी जब्त किया गया है। जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें कोरबाटाड़ निवासी राजेश बास्की और कारीबाद निवासी छोटन हांसदा शामिल है। बताया गया कि मामले को लेकर डुमरी थाना में कांड अंकित कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। करीबन 10:30 बजे के समय में एक सूचना मिली थी कि डुमरी थाना अंतर्गत कुछ चिन्हित जगहों पे अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि अंग्रेजी शराब, नकली अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्रीज कुछ जगहों पर लगी हुई है। इस संदर्भ में एक त्वरित कार्रवाई करते हुए DYSP 2 संतोष मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई, जिनमें इनके अलावा डुमरी थाना प्रभारी भी शामिल थे और वहां के अन्य पदाधिकारियों के साथ छापेमारी, विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई है। दो जगहों पर सफलता मिली है जहां पे काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। इनके साथ जो उपकरण बॉटलिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं, खाली बॉटल्स, जो मशीन्स हैं जो बॉटलिंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रैपर्स शराब की बोतलों के वो बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य व्यक्ति जो संलिप्त है इसमें, इसके ऊपर छापेमारी जारी है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।